अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? जुम्मा मुबारक। आज मैं शाम के छोटी सी भूख मिटाने के लिए कुछ चटपटा बना रहा हूँ। मैं ये बिस्किट लीजिए पहले, उसको रख ले पहले नीचे। रखने के बाद उस पर टमाटर उतारेंगे। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो कैसी लगती है आप बताइए कमेंट में। उसके ऊपर डाल लेंगे हम प्याज। ये बना के खाइए शाम की चाय के साथ, अच्छा टेस्ट आता है इसका, बच्चों को भी पसंद आता है। अगर आपके पास ककड़ी है तो ककड़ी भी रख लीजिए। मेरे पास ककड़ी नहीं है, सिर्फ टमाटर और प्याज रख रहा हूँ मैं। अगर आपके पास ककड़ी है तो वो भी रख ले सकते। इस पे रखिए कोथिंबीर। कोथिमीर का टेस्ट अच्छा आता इसलिए एक एक कोथिमीर की काढ़ी रख लेना। अब इस पे से डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा डाल लेना, ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप बच्चों को दे रहे तो लाल मिर्च मत डालिए, और आप खा रहे तो लाल मिर्च डाल लीजिए। और इस पे डालेंगे नमक, नमक को हल्का हल्का छिनक लेना। अब इस पे डालें आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर को भी हल्का सा डाल लेना, ज़्यादा खट्टा भी निकल लेना, टमाटर खट्टा होता ना, हल्का हल्का डाल लेना। अब इस पे फिर एक बिस्किट रख लें, आप चाहे तो रख लीजिए या नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। लग रहा ना अच्छा? देखिए अच्छा टेस्ट आता है इसका। पहले प्याज रख लेना, उसके ऊपर से टमाटर रख लें। टमाटर का पानी छूटता ना बिस्किट नरम हो जाता, इसलिए प्याज, उस पर कोथिंबीर रखे, उसके बाद बिस्किट रख लेके खाइए, लीजिए, एंजॉय करें चाय के साथ। चाय के साथ बना के खाइए, आपको अच्छा टेस्ट आता। याद रखिए ये बिस्किट ले, अगर मीठा बिस्किट होता तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये नमकीन बिस्किट है, इसका टेस्ट अच्छा आता। मीठा वाला आप ले रहे बना के खाएंगे तो फिर अच्छा नहीं आता टेस्ट, फिर मुझे बोलेंगे अच्छा नहीं बताए। अच्छा, मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और ये आपको कैसा लगा बताइए। अल्लाह हाफिज़।